हर स्टूडेंट अपनी लाइफ में अच्छे मार्क्स लाना चाहता है, सक्सेस होना चाहता है, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट एवरेज से भी नीचे रह जाते हैं। जी हाँ, एवरेज से भी नीचे। तो आइए जानते हैं कुछ ऐसे नियमों के बारे में जिन्हें फॉलो करके आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से उठकर एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन सकते हैं। जी हाँ, तो पहला नियम है अल्पाहारी। अल्पाहारी का मतलब होता है कम खाना खाना। हर स्टूडेंट को अपनी लाइफ में हैवी फूड लेने से बचना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा खाना खाने से हमें आलस होने लगता है, और जब हमें आलस होने लगता है तो हमें नींद आती है, और जब नींद आती है तो हमारा दिमाग सिर्फ एक ही बात कहता है, 5 मिनट और 5 मिनट और 5 मिनट और, जिससे कि हमारे ना जाने घंटों के घंटों बर्बाद हो जाते हैं, जो कि हमारी स्टडी लाइफ के लिए बहुत ही बेकार है। दूसरा नियम होता है गृहत्यागी। इसका मतलब होता है परिवार या परिवार की समस्या से दूर रहना। हर परिवार में आए दिन कोई ना कोई बात होती रहती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। स्टूडेंट को कभी भी इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये आपके मेंटल फोकस को वीक कर सकती है, जो कि आपकी स्टडी लाइफ के लिए बहुत डेंजरस है। तीसरा नियम होता है स्वनिद्रा, जिसका अर्थ होता है कम सोना। आपने हर सक्सेसफुल या कामयाब आदमी की एक आदत को तो नोट किया ही होगा कि वो लोग लाइफ में सिर्फ 5 से 6 घंटे की नींद लेते हैं, और इतनी ही नींद हमारे लिए ज़रूरी भी होती है। इससे ज़्यादा सोना समय की बर्बादी होती है। सुबह उठने का सबसे अच्छा फ़ायदा हमें ये मिलता है कि सुबह का वातावरण काफ़ी शांत होता है, और जब हम सो के उठते हैं तो हमारा मस्तिष्क भी विचारों से मुक्त होता है। उस समय हम जो भी पढ़ते हैं या जो भी करते हैं वो हमें अच्छे से समझ आता है, और हमारा शरीर बिल्कुल निरोग भी रहता है। तो इसीलिए आज से सुबह उठने की आदत जरूर डालें। चौथा नियम होता है काग चेष्टा। जी हाँ, हर स्टूडेंट को काग की तरह होना चाहिए, उसे काग की तरह प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि हमें रोज़ कुछ नया सीखना होता है, और रोज़ नया सीखने के लिए रोज़ नई कोशिशें करनी पड़ती हैं, और जब तक हम कोशिश नहीं करेंगे तो भला हमें रिजल्ट कैसे मिलेगा। इसीलिए हर स्टूडेंट को प्रयत्नशील होना चाहिए। पांचवा नियम होता है बको ध्यानम। जी हाँ, हर स्टूडेंट को बकुले की तरह ध्यान रखना चाहिए। आपने अक्सर देखा होगा कि बकुले की चोंच पानी में रहती है और उसकी आंखें पानी से बाहर, लेकिन वो अपनी आंखों को बिल्कुल पानी के अंदर गड़ाए रखता है, और जैसे ही कोई मछली आती है तो वो उसको सीधा पकड़ लेता है। हर स्टूडेंट को अपनी पढ़ाई के समय अपना पूरा कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रखना चाहिए। ये नहीं कि आप किताबें पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान कहीं पार्क या सिनेमा हॉल में घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपको अपना ध्यान एक जगह रख के कंसंट्रेट करना है और अपनी पढ़ाई पे फोकस बनाए रखना है। अगर आप इन 5 नियमों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप भी एक एवरेज स्टूडेंट से बढ़ करके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट बन जाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली हर नई वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। आपका धन्यवाद।